रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस मेडिकल कैंप में काम करो, भूल जाओ कि तुम ऋतिक नून। उसके बाद देखते कि मैं उन बायोटेक में वापस आऊंगी या नहीं। बॉस तो इसे वापस लाके मानेंगे। भाई क्या दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लान क्या तेरा, कुछ बताएगा? मेरी कंपनी ज्वाइन कर रही हो? तुम ठीक हो? तो बहुत हाई फीवर है यार। Trust me, VP is not going to ride in on a horse over my dead body, okay? Horses, so passe. Oh, देख क्या बोल रहा है? बोलता दूल्हा घोड़े पे नहीं आएगा, घोड़े पे नहीं आएगा तो क्या गधे पे आएगा? देखो ये अंग्रेज है, इसको क्या पता हमारी रीति रिवाज? अगर इसको सब पता है। प्रॉपर परफेक्ट पापा। और वैसे भी ना समर वीगन है, नो एनिमल टॉर्चर, वो नहीं आने वाला घोड़े पे, मैं बता रही हूँ। देख तू मखौल नहीं कर, पंजाबी आते रीति रिवाज है। नहीं होने दो। ममता बोलो ना मम्मी पापा को। वो बोलती है घोड़े पे नहीं आएगा, गधे पे आएगा, वो भी वीगन है। मैं क्या घोड़ा खाने को बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं, ऋत्विक को हम लोग घोड़े पे चढ़ा के ले जाएंगे, ठीक है ना? आप खाना खाओ। आओ जी, चलो सब लोग खाना खाने आओ, बार बार खाना नहीं लगेगा। हाँ मम्मा। विजय पुत्र, मैंने डिसाइड कर लिया है कि शादी के बाद रीवा और समर पूरा खाना, हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी। जय माता दी। दादी जाने दो ना दोनों को हनीमून पे, मैंने टिकट भी बुक करा दी उनकी। हनीमून इम्पोर्टेंट है कि माता रानी, जाके विष्णु देवी के टिकट बुक कराओ। चलो तो ये लोग फाइनल कर दो। फाइनल कर दो। ओके, ओनली प्रॉब्लम इज ना मुझे ना लेजर हेयर रिमूवल करा लेना चाहिए था, और ये वैक्सिंग झंझट हो रहा है अभी भाभी। रीवा ये सब पहले करना चाहिए था, तुम्हें पता है हमारे पास टाइम नहीं है। ऑल सेट? यस मॉम। ऑलमोस्ट। जितनी रिहर्सलें आपको करनी है, जो जो ट्राई करना है अभी करके फिक्स कर लीजिए। लास्ट मिनट में डिलेज नहीं होनी चाहिए। एंड डोंट से मम्मा आई एम कंफ्यूज्ड। मॉम आप बिल्कुल स्ट्रेस मत ले, एवरीथिंग इज सॉर्ट एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, मुझे लेजर हेयर रिमूवल करा लेना। अरे शादी के बाद करा लेना, अभी वैक्सीन से काम चला। अरे वो ही तो अच्छा बाहरी सुंदरता सब कुछ नहीं होती। देयर इज नथिंग एज अल्यूरिंग टू अ मैन एज अ वुमन्स इंटेलेक्ट। करेक्ट मॉम। I remember that. चलो खाना खा रहे हो आप, खाना खा के चलो। Yes, mom, आप चले, मैं भी आ रही हूँ। ऋत्विक कहाँ गया, ये फोन ही नहीं उठा रहा। मम्मा मुझे मार रहे हैं यार, ये क्या है? तुम लोग चुप करके खाना नहीं खा सकते? मार रहे। फोन भी नहीं उठा रहा। फोन कर रही हूँ, मिस्ड कॉल देखकर फोन नहीं कर सकते? मैम मैं वो मैं पलक बोल रही हूँ। ऋत्विक कहाँ है, फोन दीजिए। मैम मैं आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉई हूँ, ऋत्विक सर की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आप वो तो एक मेडिकल कैंप के लिए गया था, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैम अभी वो सो रहे हैं, उन्हें बहुत हाई फीवर था इसलिए मैं लोकल डिस्पेंसरी में ले आई। बहुत सीरियस तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैम मैं हूँ ना यहाँ पे उनका ध्यान रखने के लिए। इनफैक्ट मैंने अमन को भी इन्फॉर्म कर दिया था, मुझे पता था घर में सब टेंशन ले रहे होंगे। वैसे मैं उनका फोन नहीं रिसीव करती, पर आपका नेम फ्लैश हो रहा था और आप माँ हैं और माँ को टेंशन होती है, इसलिए मैंने आपका फोन रिसीव कर लिया। दैट्स ओके, थैंक यू। इन फैक्ट वन मोमेंट, मुझे वो अभी पलक का फोन आया था, ऋत्विक की तबीयत बहुत खराब है। तो पलक ही लाइन पर है, वो ऋत्विक के साथ। राइट, आप प्लीज उसे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं बस वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। पलक अमन इसी वक्त निकल रहे हैं, वो आपके पास पहुँचेंगे, आप दोनों को ले आएंगे। ओके, ये फोन अपने पास ही रखना, डू कीप इन टच। जी मैम। आप इस लड़के को देखिए ना, ये कैसा है, ये बिल्कुल अपना ख्याल ही नहीं रखता। ये थैंक गॉड वहाँ पे पलक है, क्योंकि और कोई लड़की अगर इस सिचुएशन में होती ना तो पता नहीं क्या होता। एनीवेज मैं बस उसे लेके आ रहा हूँ। ड्राइव सेफ।
जी वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसे लेके आ रहा हूं। जी थैंक्स। वो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। इट्स ओके, तुम नहीं बचाती तो ये मेडिसिंस इन्हें टाइम से ले लेना, दिवाली खाने से पहले, और कोर्स कंप्लीट करना। वो कल कल ऑफिस में बात करें। हेलो, हाँ सेतु, तू ज्वाइन कर रही है क्या? हाँ यार, आई विल ज्वाइन। तुझे पता है वो इतना बुरा नहीं है, उसने कैंप में जो किया मैंने उसकी एक अलग ही साइड देखी, जो उसने किया लोगों के लिए, और आई वाज रियली शॉक। एक और काम कर, सारी फीमेल एम्प्लॉइज को वापस बुला ले, नहीं शॉर्ट नोटिस पे सबको मैसेज डाल दे, देख ले जो आ सकता है। पता था हाँ शर्मा, सुन कॉल एवरीबॉडी बैक। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? वो चाय पियोगे? हाँ चाय। कल रात मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मैंने कहा था कुछ, कहा था तुमने, पर इट्स ओके, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबका पास्ट होता है, इट्स ओके। ओह नो 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 नो, जो कुछ भी मैंने बोला, आई एम डिल्यूजनल, सब बकवास था वो, मैं कुछ भी बोलता हूँ, वो दैट्स नॉट मी, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मी। ओके इट्स ओके, रिलैक्स। ओके चल रॉबिन, मेरा फोन कहाँ है? What do you think, sir? I think it should be all the best. Everything should be perfect, but it's not perfect. Why is everything yellow? Joint is okay, my family, no? Put some color. I'm just following the design brief. I don't care about the brief. Wo chaddi baddi apne paas rakh. Too long, they're confused, though. अरे ऐसे क्यों डांस कर रहे हो? ब्रीफ निकाल कर रहे हैं। घर वाले किसे क्या बोलेंगे? चलो तुम भी डांस करो। ब्रीफ क्या है? मार क्यों? कच्चा पढ़ो। डैड मुझे ना मार रही है। डैड ऐसे ही होता है, ये अरेंजमेंट्स पहले से क्लियर होने चाहिए। आई एम फाइन विद दिस। आई एम नॉट फाइन विद इट। शादी हो रही है, अवार्ड फंक्शन हो रहा है, आप बंदरों की तरह बिठा दिए सबको टेबल के आसपास, ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। डैड सिर्फ सीट्स ही तो साइन किए हैं, मिलने से थोड़ा ना मना करें। तू चुप कर, हमारे गेस्ट है, स्कूल जाते हुए बच्चे, उनका गला पकड़ के बिठा दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। ओए हटा उसको वहां से। डैड लिसन, नहीं जाओ 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 यहाँ से। यहाँ कुछ आ रहा है क्या? Pimple है? नहीं, this is the end of the world, mummy. Toothpaste लगा ले, don't stress out. Yeah, toothpaste, go. बच्चों की ना अपने मन की करने दो. ओ कोई नहीं, देखो ये शादी traditionally होगी, मेहंदी चूड़ा हल्दी सब सब बड़ा बड़ा, ये भी तो नया tradition है. Everything has to go according to plan. जी जी सब हो जाना है. ओ कुछ नहीं होना है, पहले decide होना है, बाद में हो जाना है, अभी decide करो. तो अभी यही तो decide कर रहे हैं, dad, that's what I'm saying, mom, this is. चल बहुत गालियां पड़ने वाली हैं. Thank God, Ritwik. Dude. ना टूथपेस्ट लगा दो ना, इससे पहले और बढ़ जाए। नहीं मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? बुखार? उतर गया। हाँ अब तो ठीक है। नो इनडिसिप्लिन्ड हो ना, खाना वक्त पे नहीं खाती हो, बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है। घर में शादी है, किसी को बीमार पड़ना अलाउड नहीं है अभी। अम्मा मैं सच्ची में बीमार था, बुखार था मुझे, इसको पूछो। मान रही हूँ तुम बीमार थी, लेकिन मेरे बच्चे इतने कमजोर नहीं है। देख मेरे जिगर के टुकड़े की शादी है, हाँ फीकी फीकी नहीं हो सकती। Delhi should remember this wedding for the next 50 years. दी, इस शादी के बाद ना मेरे आज के बच्चे जिसे आंटी बुलाएंगे, दीवा आंटी। मैं ना पीट दूंगी तेरे को, चुपचाप नाचता रहे। चुप कर। मैं बोल रहा हूँ शादी रौनका शौनका वाली होनी चाहिए, धमाके वाली। Dad, really, ये भी तो धमाका ही है, रौनके ही है ना? No, this is not धमाका। पापा, मम्मी देखो ना, पापा को मेरे टेबल्स पे बोल रहे थे, अब डेकोरेशंस पे बोल रहे हैं। तुम्हारे पापा एक बात पे अड़ जाते ना तो अड़ जाते हैं। क्या हुआ? ये शादी है या सर्कस? ओए सर्कस सर्कस कुछ नहीं है, तुम लोग अपनी पंचायत बाद में करना। हाँ पहले तो ये टेबल निकालो यहाँ से, ये शादी जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे होगी। ये टेबल हटा आप कर लो, वैसे इतनी ऊंची आवाज मुझे सुनाई नहीं देती।
मैं पूछो वाला बोला मैं पूछो वाला बोला तारी ऋतिक को काढ़ा दे देना प्लीज तारी मेरे को भी और क्या खाएगा क्या हेलो हेलो नीना अरे सुन पिछले महीने तेरी नीस की शादी जिस लेडी ने करवाई थी कौन थी वो क्या नाम था उसका मंजीत शर्मा वही ना जो मैच मेकर भी है और ट्रेडिशनल फंक्शन भी कराती है हाँ ट्रेडिशनल वाले बिल्कुल मुझे उसका नंबर चाहिए अभी इसी वक्त इस घर ने ना मुझे पागल कर दिया बिल्कुल हाँ अभी भेजती हूँ बोलना नहीं अच्छा ओके थैंक्स मैं बोल रहा हूँ जब मेरे को नहीं चाहिए वैसे आपका काम हो जाना है कहा था तुमने पर इट्स ओके डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है हम सबका पास्ट होता है यार मुझे उस लड़की को क्यों सब कुछ बताना था सब उस फीवर की वजह से दीदी चाय दीदी हाँ रख दीजिए दीदी वो मेरी इस महीने की पगार है ठीक है मैं भी देते हैं इसे करनी तुझसे मुझे भी I swear. लेकिन सच में पलक तेरी वजह से मैं सबसे बाहर निकली हूँ यार वरना मैं कहाँ फंस गई थी उस स्टूपिड से ऋतिक नून के चक्कर में यार उससे ज्यादा वाहियात लड़का ना मैंने कहीं नहीं देखा थैंक गॉड मैं उससे बाहर निकल गई और मैं उसे भूल गई हूँ और अब मेरे पास एक सेक्सी सी जॉब और एक हॉट सा बॉस आरू ये बस प्रॉमिस रहेंगे अभी तक उसने कुछ बोला नहीं और उसके बस कहने की देर है I'm sure वो जल्दी से कुछ बोल भी देगा और शायद प्रपोज भी कर दे मुझे बट थैंक गॉड उस कमीने ऋतिक नून से मेरा पीछा छूटा वरना पता नहीं मैं कहां फंस गई थी पता नहीं मेरा क्या होता ओए कहां खो गई कुछ नहीं वैसे पराठे बहुत अच्छे हैं है ना क्या सोचने लगी थी मैं सोच लिया कि उसमें अच्छाई है उसने अरुण की जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद की आई वॉज रॉन्ग Absolutely. Boss और पलक दोनों अकेले थे रात भर. You know, alone on a cozy night. दिल्ली से दूर पता नहीं क्या क्या हुआ होगा. Really? झूठ बोल रहे हो तुम. मैं झूठ नहीं बोलता, okay? तुम लोग थे नहीं ऑफिस में और यहाँ बहुत कुछ हो गया है. First of all, female employees को वापस क्यों बुला लिया? क्योंकि अब फाइट खत्म हो गई है. अब तो कुछ और ही चल रहा है. अरे लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? मैं बॉस का राइट हैंड हूँ, वो मुझे सब बताता है, everything. हाय पलक हाय 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 मैं श्याम पिछले 5 साल से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ रिज्यूमे में नून बायोटिक का नाम होना कितनी बड़ी बात है ना और हमारे बॉस ऋत्विक नून आई मीन ही सच अ चार्मिंग गाय और तुम तो उनके साथ डायरेक्टली काम कर रही हो ना मस्ट बी सो गुड उनके आइडिया उनके एम्बिशंस सब कुछ शेयर करते होंगे ना तुम्हारे साथ इसे तुम मुझे क्यों बता रहे हो क्योंकि तुम चाहो तो मेरा काम हो सकता है यू कैन हेल्प मी आउट क्योंकि तुम और बॉस यू नो व्हाट आई मीन तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आती है किस टाइप के आदमी हो तुम आई थॉट तुम्हारे अंदर थोड़ी अच्छाई है
मुझे लगा जो कैसीनो में एटीट्यूड तुम कैरी करते हो ना उसके पीछे एक नॉर्मल इंसान है जो किसी वजह से दुनिया को अपनी सॉफ्ट साइड नहीं दिखाना चाहता. बट देन आई वाज रॉन्ग, आई वाज सो रॉन्ग अबाउट यू. आज ना मैं अपनी फ्रेंड से मिली, वही फ्रेंड जिसकी लाइफ तुमने खराब कर दी थी. मेरा मन बदलते बदलते रह गया क्योंकि तुम हो ही घटिया. तुमने ऑफिस में रूमर्स फैलाया था आई स्लेप्ट विद यू, हाउ डेयर यू. और रॉबिन सबको ऑफिस में बता रहा कि हमारे बीच में कुछ, वो इतना कैसे गिर सकता है. तुम्हारे एक वीक मोमेंट में मैं तुम्हारे साथ थी तो तुमने सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ शी. और ऑफिस में इतना बड़ा रूमर फैला दिया कि हमारे बीच में कुछ हुआ है. क्यों किया तुमने ये सब? क्या प्रूफ करना चाहते थे तुम कि जो लड़की तुम्हारे अगेंस्ट थी आज वो तुम्हारे चार्म से फिसल गई, तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार हो गई? मैं इसमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला. मतलब तुमने किया है ना ये सब? मैं एक सेकंड नहीं रुकूंगी. मैं इससे बात क्यों करने आई? तो तुम मुझे बस ये बता कि उसके अगेंस्ट में लीगली क्या एक्शन ले सकते. नो इट्स नॉट दैट हैरेसमेंट, इट्स मेंटल हैरेसमेंट. हर्टिंग अ फीमेल एम्प्लॉई इज रेपुटेशन. ये बात मेरी इज्जत की अनु, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरा बॉस है. पलक क्या कर रही हो? आई एम नॉट टॉकिंग टू यू. पलक लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी वंस. मुझे साथ में कोई ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था. पूरे ऑफिस में उसने क्या मजाक बनाया मेरा, मेरे बारे में क्या रूमर्स फैलाए थे. ऐसा कुछ नहीं है पलक, ऋत्विक ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता. आई नो पीपल आर टॉकिंग ओवर हियर, लेकिन ये सब ऋत्विक ने नहीं किया पलक, ट्रस्ट मी. आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट दैट मैन. रूमर्स ऐसे नहीं फैलते, किसने स्टार्ट किया होगा. एंड आई एम श्योर ये उसी ने किया है, नो इट फॉर श्योर. एरीज हॉरोस्कोप के हिसाब से आई एम हैविंग अ ग्रेट डे. ए किसी कॉफी? ऋत्विक सर की. चीनी कम है और एक क्यूब डालो. ये झूठी कर दी आपने तो. झूठी है तो क्या हुआ, बॉस को परफेक्ट कॉफी मिलनी चाहिए ना. बॉस उस रात पलक के साथ कितने मजे किए मैंने. तुम्हें तो सब पता है. मुझे पता, मुझे नहीं पता. सारे ऑफिस वालों को तुमने ही तो बताया, और ये भी कहे कि मैंने तुम्हें सब बताया. बॉस मुझे सच बता देना पड़ेगा. आई थिंक आई शुड कम क्लियर. मेरा स्प्लिट पर्सनालिटी है, वो मेरा ऑल्टर एगो होगा जो ये सब कहा होगा. मुझे तो याद भी नहीं, आई डोंट इवन रिमेम्बर. काफी बार ऐसा हुआ है. really? वो बॉस वो क्या है ना, आप पलक को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे और बाकी फीमेल स्टाफ को भी वापस बुला लिया, तो मुझे लगा कि यू नो वो यू नो शी विल मिसयूज इट, वो गलत फायदा उठाएगी. यू नो हर ना बॉस. मैं सोच रहा हूँ एंगेजमेंट तो हमने की नहीं, क्यों ना जयमाला के वक्त ही रिंग एक्सचेंज करवा लें. गुड आइडिया. गुड आइडिया. ओ ममता जी थोड़ी वो ट्रेडिशनल वेडिंग प्लानर कितनी है? अमन प्लीज मेरे बालों से च्युइंगम निकाल दे, ये स्टुपिड शिवम ने लगा दिया मेरा ऑयल. पागल ही है यार, शादी से पहले कोई ऐसे करता अपनी बहन के साथ? यू थिंक इट विल कम ऑफ अमन? हां डोंट वरी यार, टेक इट आउट. रिवा मैं तुमसे एक जरूरी बात करनी है. जस्ट अ सेकंड. क्या है? मैं देख रही हूँ जब से शादी फिक्स हो गया यू जस्ट नॉट हैप्पी. आई डोंट वांट यू डोंट वांट व्हाट? मैंने तुम्हें प्रपोज किया उसके अगले दिन तुमने आकर हाँ बोल. लिसन समर वी आर ग्रेट फ्रेंड्स, हम इकट्ठे पले बड़े, हम बचपन से दोस्त होना अलग बात होती है, लाइफ पार्टनर बहुत अलग. गुड फ्रेंड्स कैन बी ग्रेट लवर्स टू राइट? यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, आई लव यू, आई रियली डू समर. अगर अब तुमने बैक आउट किया ना मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी. तुम तो रहने दो, तुम तो बात ही मत करो. तुम उसके दोस्त हो ना, तुम उसी साइड लोगे. एक ही थाली का चट्टे बट्टे जो. यार ये कहो, तुम दोनों की वजह से मेरी लव स्टोरी तो कभी टेक ऑफ नहीं करेगी. जो मेरे कैंप में आया था ना वो, मुझे पता था वो सब कुछ इसी के लिए. मेरे सामने बड़े अच्छे से बनने का नाटक किया ना, अगर उसने तुम्हें शक्ल दिखाई ना मैं केस कर दूंगी उसके अगेंस्ट. बॉस ने मुझे फायर किया. क्यों? आई एग्री बॉस, और तुम्हारे बारे में वो रूमर मैंने ही फैलाया था. बॉस ने मुझे कुछ नहीं कहा था. तुझे थप्पड़ और किस दोनों करने का मन कर रहा है मुझे पता है. देखा पलक, मैंने कहा था ऋत्विक ऐसा कुछ नहीं कर सकता. रखो अपनी किस अपने पास. ओके ओ हेलो, मैं तुझे किस करने भी नहीं वाला था समझा. आई सॉ यू बड़ा पता है जो मैं करने वाला था. दिस नेवर गोइंग टू हैपन. दिस ओके आई डोंट वांट इट. And yes, with prescription medicine advertising, we aim at increasing the awareness of patients about diseases that might go unnoticed or undiagnosed. We're doing a noble thing here. Sir, sound में कुछ technical problem है. We'll take a break.
वो इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मुझे पैसे भी दोगे ना तब भी मैं तुम्हारे साथ सोने वाला नहीं। उस रात मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ। आई गॉट अ लिटिल सेंसलेस। मुझे औरतें पसंद नहीं। आई एम श्योर यू नो व्हाई। अनलेस तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडियाज आ रहे हैं अबाउट यू एंड मी। यू सी लाइक अ गाय टू मी, एक लड़की की तरह। तो मैं तुम्हारे बारे में रूमर्स क्यों फैलाऊंगा? तुम उस लड़कियां मेरे बारे में फैलाती हैं। नेवर द अदर वे अराउंड। मैं सॉरी कहने आई थी। ओह फॉरगेट इट। तुम्हारी लाइफ की रियलिटी का ये सबसे हैपनिंग रूमर है। आई थिंक शुड कीप इट। तुम इरिटेटिंग हो बट फनी भी हो। और तुम मेरी टाइप की नहीं हो। तुम भी फनी। सर थोड़ा टाइम लगे आपको लंच लगा दी। लंच? Well, thanks, but मैं अपना टिफिन लेके आई हूँ। और मेरे टिफिन में है fine long white rice simmered with yellowed organic lentils, added cumin seeds, and a dash of clarified butter. खिचड़ी? ओ, मुझे लगा तुम सिर्फ fancy खाना खाते होगे। Trust me, मैं सिर्फ fancy खाता हूँ। America coming from fever. तो मेरी मॉम ने अपने हाथों से मेरे लिए खिचड़ी बना के भेजी। I think it's a great medicine. भले ही वो मेडिकेशंस का असर था पर उसने अपना दिल खोल के रखा मेरे सामने। कुछ अपनी मॉम के बारे में, कुछ पास्ट की बातें। तो जो बताया था ना मैंने मेडिकल कैंप में, उन अंकल के साथ जो उसने किया वो बिल्कुल ही अलग था। शायद बुरा आदमी नहीं है वो, बस एक बड़ी सी बुराई की दीवार के पीछे अपने इमोशंस को छुपा के।